बाबा इसमें ही होगा रिमोट, देख लो क्या क्या इसमें होगा बैग में रिमोट। तो रहने दो ना, नहीं है अगर रिमोट तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी उसको। तुम दो ये रिमोट को। रिमोट को ढूंढूं? हाँ। अपनी वीडियो में बताया था कि बच्चे अगर वॉल्स पे लिखते हैं, एक मिनट लाइट है ना, पता नहीं लग रहा। आगे ने फिर से काम कर दिया, मैं दिखाती हूँ। ये देखो वॉल्स पे इसने, बच्चे अगर वॉल्स पे लिख दें तो ये इसने उसी इरेजेबल क्रेयॉन से लिखा है। मुझे सच में नहीं पता लगा कब लिख देता है यार, पता नहीं, इतनी तो डांट सुन रहा है हमसे इस चीज़ के पीछे। अब मैं इसको इरेज करके बताती हूँ, देखती हूँ। मैंने एक अभी इरेज किया था, फिर ये मुझे ध्यान आया कि मुझे इसको करके दिखा देना चाहिए। मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है से। यू कैन इरेज इट लाइक, हल्का सा दिख रहा है ना, बहुत हल्का सा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है। ये लो जी क्लीन। तो ये गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज फिर से 12 बज गए और मेरे तो सुबह ही अभी होती है काम करने के बाद। और आज मैं इज हेयर विद हिज फ्रेंड, और आज शायद वो बीच में नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर देखा कहीं पर कि उसने ड्रॉ कर रखा है वॉल के ऊपर, और मैंने ट्राई किया कि मैं उसको इरेज करूँ, वो इरेज हो गया थैंकफुली। तो अब बच्चे एटलीस्ट इस चीज़ के पीछे डांट नहीं सुनेंगे कि वॉल पे क्यों लिखा है उन्होंने। आप लोग कोई पिज़्ज़ा खाते हैं तो, अगर आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो तो आई डोंट नो कि ये हर थर्सडे की डील है, बट मेरे पास अभी भी मैसेज आया है कि थर्सडे है, थर्सडे को 80% ऑफ है डोमिनोज़ के पिज़्ज़ास पे। और एक चीज़ और थी, हाँ, इनका पता नहीं सिल्वर जुबली या पता नहीं कौन सा बर्थडे है, तो उसके लिए भी इनका अगर आप डॉम 50 करके अप्लाई करोगे कूपन कोड, तो 50% ऑफ है इनके पिज़्ज़ा पे। तो अगर आप लोग पिज़्ज़ा पसंद करते हो तो यू कैन ऑर्डर, अगर नहीं पसंद करते हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मंगा ही लें, बट अगर जो पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा ऑफ़र है इस टाइम पे। बाकी कई लोग नहीं भी इस टाइम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो देख लीजिए, जिसने खाना है वो खा लो, जिसने नहीं खाना है वो मत खाओ, ठीक है। लंच में मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाने का, तो ओट्स बनाने का सोच रही हूँ कि आज लंच में ओट्स ही खाते हैं। बहुत दिन हो गया मुझे, मैंने ओट्स नहीं खाए हैं, वेट पानी पी लेती हूँ। आज की जो वीडियो, इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ रही हूँ या ये इसमें चाहती हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में हमारे। तो आप लोग जानते हैं क्या कि पहले, सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम कहाँ गाया गया था? और हाँ, जब ये नेशनल एंथम नहीं बना था हमारा, उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं, कि सबसे पहले हम इसको, इस ये जो पहली बार गुनगुनाया या जो गाया गया था, वो कहाँ गाया गया था। और जब आप इसको जानेंगे ना, इस बात को, आपको बहुत सरप्राइज़ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो नेशनल एंथम है वो कहाँ गाया गया था। मैंने जब ये पहली बार मुझे ये पढ़ा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि हम ये जो चीज़ है ना, ये बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, मुझे नहीं कभी, मैंने कभी किसी क्लास में, मुझे नहीं याद है मैंने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो ज़रूर पता होता इस चीज़ के बारे में। मे बी मैं हिस्ट्री में थोड़ी वीक रही होंगी, इसलिए थी मैं हिस्ट्री में वीक थी मैं पहले, पहले मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नाउ डेज मैं हिस्ट्री, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं हिस्ट्री पढ़ूँ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हिस्ट्री अच्छी लगने लग गई। हिस्ट्री कुछ सुनाई दे रहा है शोर आग में? नहीं नहीं बेटा, उस रूम में नहीं। आपने ये बाहुबली कहाँ से सीखा आपने? आपको तो पता ही नहीं बाहुबली क्या है। बाहुबली एक राजा है। एक राजा है? हाँ, अच्छा। एक गॉड होता है। अच्छा, एक गॉड होता है। आगे नीचे की जगह, आगे नीचे की जगह, उठ जा, ऊपर ऊपर। अच्छा, आज आपको ना एक खजाना दिखाती हूँ मैं, ठीक है? खजाने से क्या क्या निकलेगा ये देखो। और इस खजाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिमोट।
जो आगने हमेशा संभाल के रखता है। ये रिमोट वो जब अपने दादी हाउस गया था तो भी लेकर, दादी हाउस से आया तो बड़े ध्यान से इसने सबसे पहले पैक किया कि मेरा रिमोट का, उसको उसने पैक किया है। अगर मैं इस रिमोट को कहीं छुपा दूँगी ना, ऐसा करते हैं इसको छुपा ही देती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। मैं इस रिमोट को अभी छुपा रही हूँ और देखते हैं कि आगने को जब इसकी याद आएगी, फिलहाल तो ये अपने फ्रेंड का खेल रहा है, जब इसको उसका ध्यान आएगा तो ये क्या करता है, ठीक है। तो ये रिमोट मैंने छुपा दिया, यहाँ पर अब देखते हैं। रिमोट कहाँ है? क्या हुआ? रिमोट कहाँ है? मुझे नहीं पता वो क्या है। क्या है रिमोट? बैग में होगा, देख लो। वो नहीं बैग में। माँ कहाँ है? कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो गुम हो गया होगा। इसमें गुम हो गया होगा बेटा। माँ रिमोट दे सकते हो? बेटा मैंने नहीं रखा है, आप लोग खेल रहे थे ना, आपने गुम कर दिया होगा रिमोट। हर्षु ने गुम कर रहा है? नहीं, हर्षु ने गुम नहीं किया, आपने गुम किया होगा। मम्मी रिमोट देखो मम्मा। अच्छा रिमोट मिलेगा तो मम्मा को क्या दोगे? जब आपको रिमोट मिलेगा तो आप मम्मा को क्या दोगे? मुझे मशीन मेरे बना है। तो रो क्यों रहे हो? रिमोट ढूंढ तो मम्मा। थैंक यू बोलो। वेलकम बैक। और आज तो मैंने खास कुछ मैंने व्लॉग में डाला ही नहीं, क्योंकि दिन में आगने का फ्रेंड था एंड मैं उनको मस्ती, खूब मस्ती करने देना चाहती थी कि वो करें, और जब वो कर रहे थे तो मुझे उनका ध्यान रखना ज़रूरी था, तो फिर इसलिए भी कुछ कुछ मैंने व्लॉग में नहीं बनाया। और फिर दिन में इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, आज बहुत दिनों बाद बड़ी ज़्यादा नींद आई है, तो मैं बहुत देर तक सोई हूँ। फिर शाम के टाइम आज चीनू भी रिलीव हुए हैं, तो फिर थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड किया है, और अब डिनर कर चुकी हूँ। और अब डिनर करने के बाद आज 5 साल बाद जो मेरा जो सूरज है ना, वो पश्चिम से होगा है, मतलब एक्चुअली में मेरे घर में सूरज पश्चिम से होगा है, क्योंकि चीनू जो है वो कभी भी रेडी नहीं होते वॉक करने के लिए। एंड आज उन्होंने खुद ही बोल दी, जब मैंने उनको कहा कि मैं वॉक करने जाऊंगी थोड़ी देर बाद और थोड़ा ज़्यादा देर तक वॉक करूंगी, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया मुझे कि मैं भी चलूंगा। आप लोगों के लिए ना ये एक बहुत छोटी सी बात होगी, बहुत छोटी सी बात, मेरे लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बिकॉज़ वो नहीं जाते, एंड जब वो नहीं करते वो नहीं करते, तो फिर आज उनका मेरे साथ वॉक पर जाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे पता है कई लोगों को लगेगा अच्छा वॉक पर तो गए हैं, अगर आपका जो पार्टनर है वो कभी वॉक पे गया ही ना हो, ठीक है, तो वो ना एक डेट की तरह हो जाता है, ठीक है। तो मैं उतनी हैप्पी हूँ आज कि हाँ ठीक है, सबका अपना होता है, मैं भी कई चीज़ें नहीं करती हूँ, तो अगर मैं वो चीज़ अचानक से करूँगी तो वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, वो हैप्पी होते हैं उस चीज़ से, तो वैसे मैं भी हैप्पी हूँ अभी। और अब थोड़ी देर बाद मैं वॉक करने जाऊँगी और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।